सकते हो, हमारे जो टैंक है 750 लीटर की है, एटलीस्ट इसमें कम से कम 60,000 का तेल होगा। ये देखो लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले से भी दुआ है कि आप कश्मीर में बारिश होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल आपको और कुछ नजारा देखने को मिलता था भी। और यहाँ पे क्या करना था, पीछे वाले जो टायर है वो दोनों हमने दूसरे डाले थे, क्योंकि ये देखो यार बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे छोटे छोटे मोड़ों में। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको फिर से हम वेलकम करते हैं अपने चैनल में। सो आज का ये वीडियो व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल कुठवा से। रात को हम कुठवा पहुंच गए 3:30 बजे, और आज के इस वीडियो व्लॉग में आप देख सकते हो कि कैसा अपना सफर रहा है कुठवा तक और क्या कुछ होता है रास्ते में। फिलहाल हम सुबह सुबह क्या काम करेंगे, अपनी गाड़ी करेंगे स्टार्ट यहाँ पे, और इसके बाद अभी हम पहुँच गए हैं अपने फ्यूल पम्प पे। यहाँ पे हम तेल वगैरह डालेंगे गाड़ी का, टैंक करेंगे फुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा सफर रहा हमारा घर से कुठवा तक। रास्ते में हमने ज्यादा जो वीडियो है उसको शूट नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही होगा रात को जो है क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, उसकी वजह से रात को हम कम ही वीडियो जो है वो शूट करते हैं। और अभी जस्ट नाउ अपनी टैंक हम यहाँ पे फुल करने वाले है भाई, और इसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से जल्द से जल्द। और भाई अभी आपने जो है होम को हो गया है भाई, और निकल चुके हैं हम अपने मंजिल की तरफ कलकत्ता की तरफ। लेकिन ये आप यहाँ पे मोड़ वगैरह भी देखो भाई, बहुत डेंजर है, शॉर्ट मोड है यार, क्या ही करेंगे, चलेंगे उस्ताद। ये हमारा मतलब कैनलवन से अपने घर के लिए रास्ता जाता है खाली 1 किलोमीटर का, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मोड़ दो जो है, एक है राइट वाला दूसरा है लेफ्ट वाला, ये बहुत शार्प है खतरनाक है। काटूं भाई, भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखो यार बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे छोटे छोटे मोड़ों में चलना। और ये रहा भाई कैनलवन का मार्केट, आप देख सकते हो यहाँ पे हर कोई सामान जो है वो मिलता है, खाने पीने का, चाहे कपड़े हो, मिठाइयां हो। और आप यहाँ पे गाड़ी अभी मोड़नी है, रोज साइड है तो भाई, तो भाई अभी हम यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है वो मोड़ेंगे, बैक करेंगे। और भाई ये आप देख सकते हो घर से निकलने के बाद पहुंच गए हम सीधे अपने भाई के पास, टायर वाले के पास, जो सजात टायर हाउस है अपना पाजलपुरा में बिजबेहरा के करीबी। और यहाँ पे क्या करना था, पीछे वाले जो टायर है वो दोनों हमने दूसरे डाले थे, क्योंकि आप देख सकते हो, मैं आपको टायर दिखाऊंगा, इनकी जो हालत है बहुत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप में, लॉन्ग जर्नी में टायरों का होना बहुत जरूरी है, टायर बिल्कुल सही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। आप देख सकते हो पीछे वाले जो दो टायर थे ये दोनों हमने दूसरे डाले हैं, नया डाले हैं, ये आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे अपने टायर वायर का सेटिंग करके निकलेंगे यहाँ से, करेंगे अपने बिजबेहरा को भी बाय, और चलेंगे आगे की तरफ, आगे फिर काम करना है बानीहाल में, ग्रेस वेस फिल्टर विल्टर और सब्जी वब्जी लेनी है। ये आप देख सकते हो सजाद भाई का दुकान बिल्कुल पाजलपुरा के पास है, अगर किसी भी भाई को सेकंड हैंड टायर चाहिए वो भी इस भाई के पास अवेलेबल है। और दूसरी इस भाई की क्वालिटी क्या है, इसके पास मतलब नट खोलने की जो मशीन है वो भी अवेलेबल है, ज्यादातर भाई जो है काम बड़ी गाड़ियों का ही करता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने बिजबेहरा से, देखो भाई, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में क्या है टायर बिल्कुल एकदम बढ़िया होना चाहिए। ये आप देखो भाई टायर अपने आगे वाले फ्रंट है, जो कि हमने पिछली जगह ही नए डाले हैं,
और ये बीच वाले और पीछे वाले, वो दो टायर जो थे वो बहुत वीक थे, कमजोर थे, इसकी वजह से हमने उनको चेंज किया है। बस अब यहाँ पे टायर वायर का सेटिंग करके निकलेंगे आगे की तरफ भाई, और करेंगे अपने बिजबारा को भी भाई, और चलेंगे सीधे अपने कलकत्ता की तरफ, और देखेंगे कहाँ पे अपना सिटी होगा आगे, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और भाई इसी के साथ साथ हो गए हैं भाई अपने कश्मीर को आज बड़े दिनों के बाद, और ये आप देख सकते हो कि अभी हम जस्ट नाउ एंटर होने जा रहे हैं जिसमें काजीगुंड बानीहाल टनल में। और ऊपर वाले से भी दुआ है कि आप कश्मीर में बारिश होनी चाहिए, क्योंकि पिछली साल आपको और कुछ नजारा देखने को मिलता था व्हाइट कलर जैसे, मतलब इस टाइम जो है पिछले साल बर्फ फट चुकी थी लेकिन इस साल बर्फ नहीं हो रही है, पता नहीं क्या मसला है क्या प्रॉब्लम है। तो अब ऊपर वाले से भी यही दुआ है कि कश्मीर में भी बारिश होनी चाहिए। और ये आप अंदर से भी व्यू देख सकते हो टनल का, कैसा ब्यूटीफुल व्यू है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कार्रवाई का सिस्टम जो है एंड हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं होता है रोकने का, कोई मतलब परेशानी नहीं था। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनता है, जब घर से हम निकलते हैं तो अपने हिसाब से चलते हैं। कुछ पहले क्या था, पहले ये सिस्टम नहीं था, ये देखो भाई। तो अब हम सीधा पहुंचेंगे बानीहाल, वहां पे अपनी गाड़ी का ग्रीस वीस फिल्टर विल्टर जो भी काम है वो वहीं पे करेंगे, और सब्जी वब्जी वहीं से लेंगे, बाकी जो भी राशन वाशन लेना होगा वो बानीहाल में लेंगे। और इसी के साथ साथ वेलकम टू द राममन, अभी अपना डिगडोल क्रैश हो चुका है और बिल्कुल हम राममन पहुंच चुके हैं। ये राममन का फ्लेवर है जो इसी साल ओपन हुआ है, ये मतलब बाजार से बार बार निकलता है, और ये आप देख सकते हो ऊपर भी राममन की सिटी, कैसा व्यू आ रहा है सिटी का, बढ़िया। रात को रोशनी भी चमकती है, आप हमें बाहर से भी दिखाने की भाई। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, देखेंगे कहाँ पे नींद लगेगी तो वहीं पे सो जाएंगे। देखो भाई अभी जो अपना सफर है वो यहाँ से 2400 किलोमीटर है कलकत्ता के लिए, तो दिखाएंगे आप सभी दोस्तों को रास्ते में कैसा अपना सफर रहेगा और क्या कुछ होता है रास्ते में, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सो भाई यहाँ पे अपनी जो फ्यूल की टैंक है वो फिर से फुल की हमने गुफा में, रात को हम यहीं पे सो गए थे क्योंकि रात को बहुत ज्यादा धुंध था इसकी वजह से, फिर हम यहीं पंप पे सो गए थे। और अभी यहाँ पे अपनी जो टैंक है वो बिल्कुल फुल की हमने, ये आप देख सकते हो हमारे जो टैंक है 750 लीटर की है, एटलीस्ट इसमें कम से कम 60,000 का तेल होगा, ये देखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा लीक है, ऊपर से लीक कर रहा है, अब इसको बंद कर रहे हैं, थोड़ा ये ऊपर से तेल फेंक रहा है गाड़ी। तो बस अब यहाँ पे इन भाइयों को कैश वगैरह देंगे तो निकलेंगे यहाँ से जल्द अपने मंजिल की तरफ। ये देखो भाई, सो लेट अस चलते हैं आगे, हम चाय वगैरह भी पियेंगे रमटाल में, क्योंकि अभी हमने चाय वगैरह भी नहीं पिए। देखो भाई हम निकलने की तैयारी में है, अब हमें फिर से टैंक फुल करनी है बनारस में। हो गए हैं भाई लखनपुर को, ये आप देख सकते हो अपना जम्मू कश्मीर इसी के साथ एंड हो चुका है। लखनपुर जो है ये आखिरी बाउंड्री है जम्मू कश्मीर की, ये देखो। अब हम बिल्कुल इसके बाद एंटर होने जा रहे हैं पठानकोट में, लेकिन अभी क्या है, अभी धूप हल्की सी निकल चुकी है रात को, हालांकि धुंध भी बहुत ज्यादा, स्नेक मोड से ही हमने कल रात को धुंध देखा है।
और अपना सफर जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है। अभी हमने अपना फेरन वेरन जो है वो बाहर निकाला है क्योंकि थोड़ी बहुत जो है ठंड कम हुई है दिन को। सो चलते हैं, अभी अपना सफर है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहे।